you <laughs> असल आज अदनान कैसर बात कर रहा हूँ फ्राम कराची जो मैं वाक़ सुना सुनाना चाह रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त का वाक़ है जो कि मैंने और उसने जो है तकरीबन दस साल एक साथ जॉब की है एवियशन में और फिर हमारी कंपनी ही शट डाउन हो गई थी तो आ, उसका वो लाहौर का रहने वाला था तो वो अपना लाहौर चला गया मैंने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया और वो अपना वहाँ पर लाहौर में आ, सेटल हो गए वहाँ इतने एक छोटी मोटी जॉब की खैर उसमें उसको इतना उसको मज़ा नहीं आया तो फॉर टाइम पास करने के लिए उसने जो है एक ऑनलाइन जो है टैक्सी उसके पास क्योंकि गाड़ी थी तो वो ऑनलाइन टैक्सी उसने पहले वो पार्ट टाइम चलाता था वहाँ पे तो उसने अब फुल टाइम करना शुरू कर दी क्योंकि वो जॉब उसको इतनी अच्छी नहीं लगी उसने बोला जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती मैं इसी यही काम कर लेता हूँ फुल टाइम कर लेता हूँ तो पहले आ, आ, अच्छा वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें तो यहाँ कराची में राइड्स आती हैं अगर आ, 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 कराची के लोग हैं तो यहीं पे कराची की ही राइड्स आती हैं बहुत ज़्यादा हुआ कि बिज़नेस क्लास में तो हैदराबाद से तक ही, ही राइड आ जाती है या बहरिया टाउन की तो उधर ऐसा नहीं है उधर ऐसा भी है कि वहाँ पे आपको बहुत दूर दूर की राइडें दूसरे शहरों की राइडें आ जाती हैं तो मेरा दोस्त इसी तरह जो है रात को गाड़ी चला रहा था कहता था मैं पूरी रात गाड़ी चलाता था गर्मियों के दिन थे, दिन की दिन में मैं ड्राइव नहीं करता था मैं रात में ड्राइव करता था तो काफ़ी इंजॉय करके अपना काम करता था कहता था मैं कहीं चाय के होटल पे बैठ जाना जब तक राइड नहीं आनी और फिर मैं अपने अपने जो है सब चीज़ें अपनी गाड़ी में रखी हुई थी अपना खाना पीना बॉटल वॉटल ये वो सब कुछ पीने का पानी हो रही है तो इसी तरह अपना नॉर्मल एक दिन काम पे था इस तरह गाड़ी चला रहा था और एक होटल पे बैठा हुआ था चाय पी रहा था तो एक राइड आती है इसके पास कि हमें कोई आई थिंक साहिवाल साहिवाल मुझे सही तरह सिटी नेम याद नहीं है साहिवाल जाना है तो इसने वो राइड एक्सेप्ट की और उससे बात की उनका फ़ोन आ गया फ़ौर बोला देखें आप हमें ले जाएं हम लोग काफ़ी आ, जो है काफ़ी हम जो दूसरे कैप्टन्स थे यानी कि जो ऑनलाइन टैक्सी के दूसरे जो कैप्टन्स थे वो राइड काफ़ी लोगों के पास गई और उन्होंने चूँकि वो लंबी राइड थी तो तो उन्होंने सपने वो जो राइड थी वो डिक्लाइन कर दी और वो इस अब इसके पास आती तो उसने कहा कि उन उन्होंने जो एक साहब थे उन्होंने इनसे फ़ोन पे रिक्वेस्ट की कि यार अब आप नहीं इसको डिक्लाइन करना तो आप प्लीज़ हमें ले जाएं हम अभी जो है मैं मेरे साथ फैमिली है मुझे मैं बहुत परेशान हूँ तो मेरे दोस्त ने कहा यार काम तो करना ही है चलो एक लंबी राइड हो जाएगी बात छोटी छोटी राइडें करने से अच्छा एक लंबी राइड करके एक ही दफ़ा अपनी दिहाड़ी बना लूँ फिर इसने हिम्मत पकड़ी इसने बोला आप परेशान नहीं हो आप मैं आ रहा हूँ आपके पास इसने इसी तरह मैं आपको फॉलो किया और वो जाके एक वो काफ़ी दूर से राइड आई थी तो वो उस जगह पे पॉइंट पॉइंट पे पहुंचा और उन्होंने उसने मेरे दोस्त ने इनको बिठा लिया उनके साथ एक लेडी एक वो दो मियाँ भी थे थोड़े एजड थे और साथ में एक लड़की थी और एक भाई था उसका जो लड़की थी वो उस वो जब वो उसका उसने अबाया पहना था और उसकी जो है ना Uh, मिनाज जब वो कह रहा है मैं चल के आ रही थी मेरी गाड़ी के लिए क्योंकि मैं उनको मैप को फॉलो करते थोड़ा सा आगे निकल गया था और फिर मैं रिवर्स कर रहा था और मैं अपने मिरर में देख रहा था वो फैमिली मेरी तरफ चल रही थी मैं रिवर्स करके ताकि हम एक पिन पर पहुँच जाएँ और वो मेरे साथ बैठ जाएँ तो मैं उस लड़की की कह रहा है मैं चाल देख रहा था तो वो लड़की जैसे मर्दों की तरह चल रही हो खैर खैर मैंने इग्नोर किया हो कि क्या पता इसकी ये जो है ऐसे ही चल रही हो और ऐसे ही खैर इतना कोई बड़ा मसला नहीं था तो मैंने इग्नोर किया और मैंने उनको बिठा लिया अब वो जब बैठ गए तो मैंने आज उन्होंने कहा जी थैंक यू और ये वो तो उन्होंने बड़ा मेरा शुक्रिया अदा किया कि यार हम काफ़ी देर से हम यहाँ पर खुआार हो रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया आप आए और हमें लेके जा रहे हैं अच्छा ये अब सफ़र चल पड़ा तो कोई जिटी रोड खिलाता है वहाँ पे कोई उस पर ये लोग सफ़र शुरू कर दिया उसमें कभी कोई ट्रॉली आ रही है कोई बस आ रही है अदरवाइज़ वो जो है वीरान रोड था और ये चलते चले जा रहे हैं अब मेरा आज थोड़ा सा वो इसने अपने जो मिरर था उसमें ऐसे ही जायजा जायज़ा लिया क्योंकि एक लंबा सफ़र करना था इन लोगों के साथ तो इसने एक ऐसे ही एक जायज़ा लिया उस फैमिली का उस मिरर में तो वो लड़की जो था थी बताता है उसकी आंखें जो थी ना वो मिनाज कह रहा है मुझे आज तक याद है वो आ, उस मिरर में मैंने उसको देखा वो मुझे ही देख रही थी उस शीशे से और उसकी आंखों में मतलब वो कोई मुझे ऐसे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं वो मुझे मार देगी वो मुझे ना अभी ये मुझ पर झपट पड़ेगी और मुझे मारेगी उसकी आँखों में इतना वो इतनी अग्रेसिव आइज़ थी उसकी लेकिन वो कहता है वो लड़की बहुत खूबसूरत थी उसकी आँखें बहुत खूबसूरत थी और लेकिन वो उस बिल्कुल बरक्स थी कि मुझे एक अग्रेसिव उससे देख रही थी मैं थोड़ा सा परेशान तो हुआ तो उसकी अम्मी जो थी वो उन्होंने उसको कंधे से यूँ पकड़ा हुआ था खैर मैं समझ नहीं पाया क्या सीन है और ये उनके वाली साहब आगे बैठ गए वो माँ बेटा और बहन वो बीच में बहन थी और वो इस तरह पीछे बैठे हुए थे रस्ते में मनाज वो कह रहा है मेरा दोस्त के उस लड़की ने आवाजें निकालना शुरू कर दी जब ये आवाज़ें उसने निकाली तो मेरा दोस्त बता रहा है कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई मैंने उन अंकल से पूछा मैंने घाड़ी वहीं पे एक सा था उस पर उसने ब्रेक मारी और बोला ये क्या हो रहा है तो उन अंकल ने बोला बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं है हम इसका इलाज करवाने गए थे तो आप परेशान नहीं हो आप गाड़ी चलाएं आप टेंशन नहीं लें हमें आपके साथ परेशान नहीं हो तो मैंने आज उसका दिल तो माना नहीं क्योंकि वो आधा आधे से आधे से तकरीबन आधा रास्ता वो कर चुका होगा वो दो तीन घंटे वो उसने ड्राइव कर ली होगी तो उसका दिल माना नहीं उसने बोला नहीं कोई कोई है खैर उसने बोला देखें अब मैं निकल तो चुका हूँ दिल में उसने सोचा तो अब अल्लाह मालिक है चलो चलाता रहा गाड़ी और वो वो लड़की की मुसलसल कुछ देर बाद यही आवाज़ आती थी लाइक तो मेरा दोस्त बहुत परेशान रहा पूरे रास्ते में तो इनकी कुछ बातें आपस में जो मियाँ बीवी थे इनकी आपस की गुफ्तु ऐसी हुई कि जैसे मैं कह रहा वो कह रहे हैं पंजाबी में बात तो कर रहे थे लेकिन मैं समझ गया कुछ इशारतान बातें कर रहे थे कि इस लड़की पे जिन्न आते हैं उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी कहीं पे इलाज करवाने गए थे इसका और किसी बाबा के पास गए थे और आ, उसने उसकी माँ ने ये चीज़ बोली कि ये फिर आ गया इसको समझाया था हमने उस बाबा ने इसको समझाया भी था ये फिर आ गया तो वो दोनों जो थे मियाँ बीवी वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि मैं तो परेशान था ही था मेरे लिए तो एक शॉकिंग चीज़ थी लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी फिर परेशान हो गए कि यार अभी तो मतलब वो आपस में इशाराता बातें कर रहे थे और उन्होंने जब वो इस लड़की ने जब ये आवाज़ें निकालना शुरू की थी तो ये दोनों ऐसे ही परेशान हो गए कि ये फिर आ गया यानी कि यार इसको, इसको समझ नहीं आ रही और क्या करें वापस चलें या चलें सीधा ये तो खैर ये उन्होंने बोला अब चलो अब फिर फिर किसी दिन का रखते हैं और अब तो बहुत टाइम हो गया और यूं करके मैं ये बातें ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उनकी आप, आपस की कन, जो कन्वर्जेशन चल रही है ये इसने ऑब्जर्वेशन जो इसकी है ये मुझे बता रहा है कि इस तरह की मुझे मुझे लगा अब मैंने आज ऐसा हुआ कि आठ घंटे मुसलसल साढ़े आठ घंटे जो है ये ड्राइव कर चुके हैं और उसके दौरान भी ऐसा हुआ कि उसने लड़की ने गाड़ी भी रुकवाई गाड़ी रुकवाई और उस गाड़ी में बिल्कुल गाड़ी रुक की ऑपोजिट भागना शुरू कर दिया कभी उसका भाई पकड़ के ला रहा है कभी उसकी माँ पकड़ रही है कभी वो अपने कपड़े फाड़ रही है कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है मैं पूरे कह रहा हूँ मैं पूरे कर, रस्ते में इतनी टेंशन में रहा मैंने उन अंकल को बोला तो फिर उस उन अंकल ने उनसे डिस्क्लोज़ कर दी ये बात कि बेटा ये 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 चीज़ थी और हम जो है इसको लड़की को इलाज करवाने लगे गए थे इसके ऊपर बहुत ही कोई नापाक जो होते ना वो है नापाक जिन्ना और फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो जब उस अपने जो पॉइंट पे पहुंचे वो एक हवेली टाइप की थी उनका घर जो था माशाल्लाह अच्छा सा घर था वो उन्होंने उसने वहाँ पे वहाँ राइड एंड की वहाँ पे मेरे दोस्त को कुछ तसल्ली हुई कि शुक्र है मैं जगह पहुँच गया वो किसी तरह माँ बेटा और उसको लड़की को अंदर ले गए बाप उनके साथ में खड़ा था क्योंकि पे पे करना था उसको तो उन्होंने पैसे वैसे बताए और ये वो सब करके जब सब होने लगा बोला बेटा एक बात बोलूँ मैं आपको अभी रात का टाइम हो रहा है इतनी रात हो चुकी है अभी आप वापस जाओगे ठीक है तो आप जो है थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी आप एक काम करो थोड़ा सा मैं यहाँ सो जाओ ठीक है मेरे वहाँ पे बैठक कहते हैं बैठक जो ड्राइंग रूम होता है वो घर के कोने में एंड में अलग से होता है तो उसको ऑफर की कि तुम ये ड्राइंग रूम में जो है यहाँ पे हमारी बैठक में तुम यहाँ पे आराम कर लो थोड़ा तो थोड़ा सुबह हो जाएगी तो तुम निकल जाना या तुम्हें जो बेहतर लगे तुम सुबह नाश्ता वाश्ता करके आराम से चले जाना तो मेरा दोस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा डरा हुआ भी था और ये रास्ते में जो हालात रहे हैं तो उसको अकेला वापसी आने में डर भी लग रहा था उसने बोला यार बात तो ठीक कर रहे हैं इनके साथ भी नहीं रहना है मुझे बिल्कुल अलग ही है बैठक में अपना अलग रूम में यहाँ पर रह लेता हूँ गाड़ी यहीं खड़ी करता हूँ तो दो चार घंटे की बात है सुबह हो जाएगी मैं निकल जाऊँगा वरना ये रोड वाकई में बहुत सुनसान है और खौफिया आता रहेगा और जो मैंने आँखों से सीन देख लिया मिराज वो कह रहा है मैं वहाँ पे लेट गया उनकी मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली उन्होंने बोला कि चाय वाय भिजवा मैंने कहा कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है आप जाएँ और आर आप आराम करें अपनी बेटी को देखें मेरी आप टेंशन नहीं लीजिएगा आप जाए बेफिक्र हो जाए उसको उन्होंने बैठक खोल के दी वो उसमें लेट गया और उसने अपना फ़ोन चार्ज पर लगा दिया थोड़ी देर में कह रहा हैं मुझे नींद आ गई नींद आई तो मुझे जब मेरे पाँख के अंगूठे से किसी ने यूं करके ज़ोर से झटक के उठा दिया है मुझे जैसे लाइक किसी ने कैसे किसी, किसी बहुत किसी का मजबूत हाथ है और उसने मुझे बहुत ज़ोर से उठाया यूं करके तो कह रहा मेरी मैं एकदम से उठा और मैंने देखा कि वही लड़की मेरे आ, बिल्कुल पाँव के पास खड़ी हुई है और उसने मुझे मर्दों की आवाज़ से बोला है कि तू यहाँ से चला जा, जा।, 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 जा। तू यहाँ से चला जा तो मेरा दोस्त क्योंकि पहले ही इतना खौफ ज़्यादा था उस कह रहा मैं इतनी थकावट में भी मुझे नींद आ गई थी लेकिन मैं उसी टेंशन में था और ये जो मेरे साथ हुआ उसके बाद कह रहा मैंने वहाँ से बस कैसे भी वो लड़की स्टिक रही अपनी जगह पे रही कोई मेरे पीछे नहीं भागी कुछ नहीं वो बस मुसलसल वो मुझे शोर मचाती रही और वो क्या नाम है आ, अच्छा मीना जो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया उस गाड़ी के अंदर जब वो उसके साथ ट्रैवल कर रही थी तो उस ट्रैवलिंग में उस वो लड़की मुसलसल कोई अदर लैंग्वेज यानी ना उर्दू थी ना इंग्लिश थी ना कोई और लैंग्वेज थी कोई अजीब ही लैंग्वेज में बातें करना शुरू हो गई कुछ बात कर रही थी किसी से वो बात करते करते उसने फिर मुझे बोला गाड़ी कि गाड़ी रोक इशारा किया यानी कि खुद ही एक अजीब सा गाड़ी रोकी और वो भागना शुरू हो गई इस तरह की कुछ काफ़ी एक्टिविटीज़ उसने मैं बीच में सॉरी भूल गया तो फिर अच्छा ये जब इसको पाँव से उठाया उसने ये मैं लास्ट एंड बता रहा हूँ आपको तो मेरा दोस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ देता था दोस्त बाहर का जो एक तो उस, उस बैठक का दरवाज़ा अंदर घर की तरफ खुलता था जिस दरवाजे से वो लड़की आई थी एक दरवाज़ा बाहर की मेन बाहर की तरफ खुलता था जो आ, बाहर निकलता था तो वो उसने वो दरवाज़ा कैसे पहले तो उससे खुला नहीं कुछ बड़ा उसने आगे पीछे घबराहट में दरवाज़ा खोला कैसे भी और और उसने जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी जो है लेके कह रहा मैं बहुत स्पीड में निकला हूँ और उसके बाद जो है मैंने जाके कोई एक पंप था पंप पे था तो वो भी वेरानी उस पर थोड़ी बहुत लाइटें चल रही थी एक हाथ बंदा वहाँ चरपाई पे सो रहा था तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सुकून सा लगा मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा पीस माहौल है यहाँ पे मैं थोड़ा गाड़ी में आराम कर लेता हूँ उसने गाड़ी वहाँ पर खड़ी की और उसके बाद वो गाड़ी में ही सो गया तो सुबह उठा और उसने गाड़ी निकाली वहाँ से तो वो उस गाड़ी को जब उसने देखा चारों तरफ से अब अल्लाह जाने कि हुआ कैसे हुआ क्योंकि वो काफ़ी रास्ता तय करके आ चुका था उस घर से लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रहा है मेरी गाड़ी पे मैं क्योंकि आठ घंटे का सफ़र कीचड़ मट्टी करके गया था तो मेरी गाड़ी पूरी जो है ना डस्ट डस्टी गाड़ी हुई थी पूरी मतलब कि मुझे मेरे शीशे भी बिल्कुल जो है डस्ट से भरे हुए थे लेकिन जब मैं उठाऊँ तो मेरी गाड़ी पे ऐसे पंजों के निशान थे उंगलियों के निशान थे हाथों के निशान थे कि पूरे हाथ किसी ने फेरे हों इस गाड़ी पे क्योंकि बीच में तो मुझे कोई इंसान नहीं मिला ठीक है और फिर ये निशान कहाँ से आए तो बस वो ये इसके साथ मेरे दोस्त के साथ वाकया था उसके बाद मैंने आज वो राइड कहीं भी आती थी उसको अदर सिटी की तो वो नहीं जाता था तो वो बहुत डरता था ऐसे तो पहले वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करता था फ़ोन पे और इसके बाद उसको सही लगता था तो वो ले जाता था तो ये एक मेरा वाक़ था दोस्त का मैंने आपसे उसकी जो उसने मुझे सुनाया मैंने आपसे शेयर किया तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाफ़